हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रो बैग मैंने बना रखा है। ये घर पर ही बनाया हुआ ग्रो बैग है और इस ग्रो बैग में आप किस प्रकार से सब्जियाँ उगा सकते हैं, ऐसी सब्जियां जो कम जगह चाहती हों, अर्थात उनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हों या वो कंद वाली सब्जियां ना हों। तो अब दोस्तों, इसकी जो गहराई है वो लगभग आप देख पा रहे होंगे 6 इंच के आसपास, 6 साढ़े 6 इंच इसकी गहराई है। और इसके लिए मैं जो है मिट्टी लेकर आया हूँ, जिसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और गोबर की सड़ी हुई खाद है। तो चलिए पहले उसको हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी है और ये इसके अंदर खाद मैंने डाला हुआ है। चलिए इसको मिला लेते हैं। और मिलाते हुए आप एक बात का ध्यान रखें कि जो भी ढेला आए आप उसको फोड़ दें, जिससे वो जो है मिट्टी नरम हो जाए। और यदि खाद का कोई इस प्रकार से कोई ढेला हो तो उसको भी आप फोड़ दें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मैंने जो है ये जगह जगह छेद कर दिए हैं, जिससे जो अधिक पानी जो इसके अंदर होगा वो नीचे निकल जाएगा, एक्सेस वाटर जो है नीचे लीक हो जाएगा। और ये देखिए जो मिट्टी है इसको मैं इसके अंदर भर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मिट्टी इसके अंदर मैंने भर ली है और मिट्टी जो है वो चारों तरफ से, ये आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ से मैंने लगभग 1-1.5 इंच जो है जगह छोड़ दी है कि जिससे जब हम इसके अंदर पानी डालें तो वो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो अब ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये धनिया का बीज है और इस बीज से कुछ बीज लेके हम इसके ऊपर डाल के और इसको मिट्टी में ऊपर ऊपर मिला देंगे। बीज ऊपर की सतह से 1 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये बीज देख पा रहे होंगे, ये बीज जो है वो लगभग सारा का सारा बीज 2 फाड़ हो चुका है, टूटा हुआ है। और तोड़ने का कारण क्या होता है कि जब हम धनिया का बीज उगाते हैं तो इसको हमें एक बार कम से कम क्रश अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बीज के अंदर ही कम से कम 2 और 3 और 4 पौधे भी इसके अंदर छिपे होते हैं, तो इसलिए इसको क्रश करके ही आप उगाएँ। तो दोस्तों, उगाने से पहले आप उंगलियों से ऐसे ऐसे लाइनें सी आप बना सकते हैं और उसके बाद बीज निकाल लें। और इसके अंदर छितरना स्टार्ट करते हैं। बीज को इतनी ज़्यादा मात्रा में भी ना डालें कि जिससे उसको फैलने का स्थान कम मिले, अर्थात बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे तो उनको फैलने का स्थान जो है वो कम मिलेगा। और इतना कम भी ना डालें कि बिल्कुल वो थोड़ा ही दिखाई दे। तो ये जो बीज है ये पर्याप्त हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं कोनों में जो स्थान खाली है उसमें और डाल देते हैं। और अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसको ऐसे मिला देंगे, कहीं कहीं जो बीज है वो ऊपर भी रह जाएंगे। आप एक दूसरी विधि भी अपना सकते हैं कि आप थोड़ी मिट्टी बचा लें और उसके बाद बीज को छितर दें और उसके ऊपर वो बची हुई मिट्टी को डाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ये बच गए हैं थोड़ा आप इनको नीचे डाल दें
इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी है और ये जल्दी से जो अंकुरित हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम किसी ऐसी चीज़ को ढक देंगे जिससे इसकी नमी सूरज की रोशनी में ख़त्म ना हो जाए। तो हम इसके ऊपर एक कट्टा ढक देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल दी है, इसके अंदर कोई भी बीज ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसकी नमी ख़त्म ना हो उसके लिए हम इसके ऊपर, आपके पास कोई भी कट्टा हो, पॉलीथिन हो, क्योंकि अब थोड़ा सर्दियों का मौसम आ गया है तो दिन में धूप ज़्यादा है और रात को ठंड ज़्यादा है, उससे क्या होता है कि दिन में सूरज इसकी सारी नमी को खींच लेगा और रात को ज़्यादा सर्द होने से इसके अंदर टेम्परेचर जो है एकदम डाउन जाएगा। उसके लिए हम इसके ऊपर ऐसे कट्टा ढक के और साइडों से इसको दबा देंगे कि जिससे ये उड़कर चला ना जाए, इसकी नमी ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर ईंट रख देता हूँ, तो ऐसे ईंट से साइड से दबा दें आप और इसको छोड़ दें, अच्छे से इसको ढक दें। दोस्तों इसको उगने में कम से कम 4 से 6 दिन का समय लगेगा, उसके बाद इसकी अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, सभी को नमस्ते जी।